में सबसे ज्यादा जो काम होता है वो होता है मोबाइल नंबर अपडेट का। अगर दोस्तों आधार कार्ड की आईडी लेना चाहते हैं जहां पे आप मोबाइल नंबर अपडेट कर सके, तो आप दोस्तों रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप आधार कार्ड में कर सकते हैं और उसके लिए जो आईडी है वो बिल्कुल फ्री में आप मिलने वाली है, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और कोई भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर आप अपडेट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों पूरी जानकारी आपको देते हैं, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों बता दें कि आपको ये आईडी मिलेगी कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं डेमोग्राफी अपडेट डाटा, जहां पे आपको डेमोग्राफी अपडेट के कारण आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो डेमोग्राफी अपडेट में आपको क्या क्या चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे डेमोग्राफी अपडेट में नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रिलेशनशिप स्टेटस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बायोमेट्रिक अपडेट में आप आईडीज, फिंगरप्रिंट और फोटो, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको डेमोग्राफी अपडेट में ये सब वर्क आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा आपको मोबाइल नंबर अपडेट का और यहाँ पे मिलेगा ईमेल आईडी अपडेट का, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आपको मिलने वाला है। कैसे आप अपडेट करेंगे उसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है कि कैसे आप अपना नया मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, ठीक है। और इस आईडी का नाम है UCL, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस आईडी का नाम है UCL, मतलब कि अपडेट क्लाइंट लाइट, ठीक है। तो UCL का मतलब होता है अपडेट क्लाइंट लाइट, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। और किस माध्यम से अपडेट कर सकते हैं, तो बायोमेट्रिक के माध्यम से, मतलब बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं, आधार नंबर डाल के अपडेट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसेस दिया गया है, डॉक्यूमेंट क्या लगने वाली है ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए एक एक प्रोसेस को ध्यान से देखते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस साइट पे आएंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और जेंडर, ये सब कुछ अपडेट करने के लिए ये ऑप्शन आता है। लेकिन यहाँ पे आप लॉग इन करेंगे, तो लॉग इन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अगर आपका आधार कार्ड नंबर लिंक रहेगा, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहेगा, तभी आपका ये चालू होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों पहले आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा, तभी जाके ये काम आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करके बताने वाले हैं। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिलता है, पहला मिलता है आधार अपडेट कार्ड, दूसरा मिलता है न्यू आधार कार्ड और तीसरा मिलता है अपॉइंटमेंट का, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे आधार अपडेट करना है, तो यहाँ पे आपको कोई भी नया मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना होगा। यहाँ पे दोस्तों एक बात बता दें, अगर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ₹50 यहाँ पे आपको लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर, कोई भी नया मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे देंगे, उसके बाद कैप्चा डालेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो ये ओटीपी उस नए मोबाइल पे जाएगा जो नया मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर, अपना कोई भी नया मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद ये वाला कैप्चा जो है ये यहाँ पे डाल के और जेनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दे। यहाँ पे दोस्तों आपको चार ऑप्शन में ये फॉर्म को भरना है। पहला यहाँ पे रेसिडेंट टाइप का ऑप्शन आएगा, जहां पे आपको रेसिडेंट आएगा और नॉन इंडिया रेसिडेंट। इसका मतलब होता है कि अगर आप एनआरआई है तो इस पे क्लिक कीजिए, अगर आप रेसिडेंट मतलब इंडिया से है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपडेट ही ऑप्शन आपको छोड़ देना होगा। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो भी आपके आधार में आपका नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, पहला मिलता है हेड ऑफ फैमिली का, मतलब आपके पापा या मम्मी के आधार कार्ड डाल के आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस या मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिटी आपका आ जाएगा, उसके बाद आधार सेवा केंद्र। तो ये सभी कुछ हम यहाँ पे भर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा जहां पे हमें पर्सनल डिटेल्स पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी जो यहाँ पे दिखा गया है वो आपको यहाँ पे जीरो देखना है, ठीक है। ये आपका जीरो रहेगा और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे कि हम नेम पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ₹50 आ गया। यहाँ पे आप नया नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम का जो भी, जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट एक देना चाहते हैं तो वो डॉक्यूमेंट लगाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे नाम चेंज नहीं करना है। यहाँ पे जेंडर का भी वही ऑप्शन है। यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर उस
उस टाइम ओटीपी में दिया होगा नया मोबाइल नंबर, वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल नंबर के साथ ही हम ईमेल आईडी भी अपडेट कराएं, तो मोबाइल नंबर के साथ ही आपका ईमेल आईडी भी यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर आपको एड्रेस अपडेट करवाना है तो यहाँ पे आपका एड्रेस सामने शो हो जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे आपका जो भी एड्रेस है वो आपसे मांगा जाएगा, वो एड्रेस आपको डाल देना है। अगर आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपको फिंगरप्रिंट अपडेट कराना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिंगरप्रिंट में आपको 100 रुपया लेगा, बाद बाकी सभी में आपको 50 रुपया ही लगेगा। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो न्यू मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो न्यू मोबाइल नंबर आपने जो भी दिया होगा ओटीपी के नया मोबाइल नंबर जो भी आपने पहले दिया होगा वही नंबर आपको शो हो जाता है। आप चाहते हैं कि हमें दूसरा मोबाइल नंबर क्लिक करना है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, जहां पे आप क्लिक करके आप मोबाइल नंबर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू और नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी आपका आधार सेवा केंद्र आसपास में होगा वह आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने शो हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये भी बताएंगे कि मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैसे क्या करना है पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो जिस दिन में भी आपका छुट्टी होगा वो दिन आप यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अवेलेबल टाइम आपको सामने दिख जाएगा, डेट भी दिख जाएगा और टाइम भी दिख जाएगा और कितना अवेलेबल अभी सीट है वो आपके सामने शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस शो हो जाएगा कि आपको जाना कहाँ है, तो ये आपके सामने यहाँ पे शो हो जाता है। और ये शो होने के बाद ही आपको क्या करना है कि ये वाला शो हो गया और उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपका टाइम स्लॉट आपका जो भी है वो टाइम स्लॉट आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और इस पे क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पे अपॉइंटमेंट का जो ऑप्शन है वो आपके सामने शो हो जाता है, तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ओटीपी, मोबाइल नंबर। तो जो भी आपका नया मोबाइल नंबर होगा वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। आप यहाँ पे किस बेसिस पे यहाँ पे आप चेंज करवाना चाहते हैं तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, चाहे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, किसी भी बेसिस पे अगर आप चेंज कराना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो यहां से आप चेंज करवा सकते हैं। यहां पे डेट भी आपका दिख जाएगा और किस डेट में आपको ये अपडेट करना है, तो यहां पे आपको क्लिक करना है और यहां पे आपको दिख जाएगा कि ओके योर अप सबमिटेड जो है वो कंटिन्यू करने के लिए आपको यस पे क्लिक करना होगा। ओके पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो यहां पे शो हो रहा है वो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज के माध्यम से चला जाएगा कि आपका यहां पे अपॉइंटमेंट कब है। तो दोस्तों आपको ये वाला स्लॉट जो है यही लेके जाना होगा और आपके आसपास में जहां भी आपका मतलब आधार सेवा केंद्र होगा वहां पे जाके और सिर्फ इसे वेरीफाई करवा लेना होगा। एट ए टाइम आपका मोबाइल नंबर जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमें पेमेंट का ऑप्शन नहीं ले रहा है तो हम यहाँ पे पेमेंट ऑनलाइन के माध्यम से भी यहाँ पे दे सकते हैं, तो मेक पेमेंट पे क्लिक करके ऑनलाइन के माध्यम से भी यहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके पास ऑप्शन आ चुके हैं, आप ऑनलाइन के माध्यम से देना चाहते हैं तो पेयू के माध्यम से पेमेंट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से पेमेंट आप कटवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 50 रुपया पेमेंट लगेगा, मेक पेमेंट पे क्लिक करके आप यहां से पेमेंट कटवा सकते हैं कोई भी एक लेके, जैसे यूपीआई के माध्यम से कटवाना है या डेबिट कार्ड के माध्यम से कटवाना है। तो जैसे डेबिट कार्ड के माध्यम से क्लिक करेंगे तो आपका यहां पे डेबिट कार्ड के नो चार्ज, कुछ भी चार्ज आपको एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। आपको जो 50 रुपया चार्ज लगते हैं मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस अपडेट करवाने का, वही चार्ज आपको लगता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश किया कैसे आपको अपडेट करना है, अपडेट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा और यही एक रास्ता है जिसके माध्यम से आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ज्यादा चार्ज आपको नहीं लगेगा, सिर्फ 50 रुपए में आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।